अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम की जानिब से मैं हूँ फैसल समीर, और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए ऑडियो पर बात करेंगे कि कोरल वीडियो स्टूडियो में हम ऑडियो को ऑडियो पर हम कैसे काम करते हैं। ऑडियो पर हम आज बात करेंगे, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से और दोबारा मैं लाइब्रेरी फाइल में जाता हूँ और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ ऑडियो फाइल को। दोस्तों जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो तीन जो है ना ऑडियो, ये म्यूज़िक है कुछ, ठीक है, ये साउंड है कुछ, तो ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो है आपके इसमें सिस्टम में ये भी साथ जो है इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है, ये आपके इमेज में इसमें अपना सॉफ्टवेयर में ये ऑलरेडी आ जाते हैं, ठीक है, ये पहले से जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑलरेडी इसमें मौजूद होती है, ठीक है, ऑडियो। तो इसको आप प्ले करें। शायद आपको आवाज़ इसका सुनाई दे रहा हो, ठीक है, मुझे तो दे रहा है। तो आप इस पर जब आप काम करेंगे तो आप सबसे पहले इसको आप ड्रैग करके, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको ले आएंगे। आप मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ना ये पोर्शन, ठीक है, वॉइस ट्रैक और ये पोर्शन, ठीक है, म्यूज़िक ट्रैक, ये दो ऑप्शन हैं, ये दो ऑप्शन हैं ऑडियो फाइल के लिए, लेकिन आपने ऑडियो को रखना है म्यूज़िक ट्रैक में, क्योंकि ये जो माइक आपको नज़र आ रहा है ये ऑडियो, ये पोर्शन जो है ना, ये जो खाना है, ठीक है, ये इस वॉइस ट्रैक वाला, ये उस वक्त यूज़ होता है जब आप अपनी जो वॉइस है, ठीक है, उसको आप जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो वॉइस रिकॉर्ड में नहीं कर रहा, तो ये जो म्यूज़िक है, ठीक है, मैं इसको नीचे ले आया, ठीक है, म्यूज़िक ट्रैक में ले आया, ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं ले आऊँगा, क्योंकि ये जो है ना पोर्शन, ये उस लिए है कि जब आप अपनी वॉइस जो है रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ले आया और इस, तो देखें ना इसका जो कलर है सफ़ेद हो गया, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये इसका कलर पिंक हो गया या दूसरा कलर हो गया, ठीक है। तो इस पर जैसे मैं आउट क्लिक करूँगा तो और क्लिक किया मैंने तो इसका जो है ना कलर सफ़ेद हो गया, ठीक है। तो इस पे ऊपर क्लिक जब आप करेंगे तो फिर इस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले इसके जो ड्यूरेशन है ना वो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसके ड्यूरेशन भी आप बढ़ा सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ, हाँ दोस्तों। तो अहम बात जो है जो मेरे समय आ गई है कि आप जो ऑडियो फाइल होती है उसकी जो लेंथ होती है उसको आप ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ से इसकी टाइमिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, इसकी कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 और मैं 22 सेकंड, ये कम हो गए, ठीक है। तो मेरी फाइल ये ओपन है, ठीक है। तो इस पर मैं जो टाइमिंग दिया है वो इसकी टाइमिंग जो है मैंने इसको कम की है, ठीक है। तो मैं आपको सुना देता हूँ, इसकी टाइमिंग कम हो गई, ठीक है। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे शो कर देता है ये 22 सेकंड की बन गई है, ठीक है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है उसके नीचे है प्ले बैक स्पीड। प्ले बैक स्पीड इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो आपकी ऑडियो है, ठीक है, आप उसकी जो फास्ट करना चाहते हैं आप उसको या स्लो करना चाहते हैं उसकी स्पीड को। मैं कहता हूँ कि इसको फास्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, 120 पर इसको करना चाहता हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट इसकी 100 होती है, ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप इसकी आवाज़ सुने, इसकी जो वो है स्पीड है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं, इसकी कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है ऑडियो व्यू, ठीक है, ऑडियो व्यू इसका इसका जो आपका नीचे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक ग्राफ किस्म का जो है ना आपको नज़र आ रहा है, ऑडियो जो है ना उसके जो एक ख़ास किस्म का जो ग्राफ होता है वो आपको शो कर रहा है कि कैसे इसका ग्राफ बनता है, ठीक है, ये आप इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है मैं फाइल को ये आपसे करता हूँ, ठीक है। उसके बाद है ऑडियो फिल्टर। ऑडियो फिल्टर ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है, कोरल वीडियो स्टूडियो में और यूट्यूब वीडियो स्टूडियो में भी ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ जो है ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, फिल्टर आ जाते हैं, ठीक है, इनको फिल्टर कहते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हैं, ठीक है, जैसे आपकी जो आवाज़ साउंड है, ठीक है, या आपकी म्यूज़िक है, ठीक है, उसके पीछे आप अगर इको लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो लॉन्ग इको है इस पर आप क्लिक करें और इधर क्लिक करें ऐड, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये अप्लाइड हो गया है, ठीक है, ऊपर लिखा है अप्लाइड फिल्टर, ठीक है, यहाँ से आप ओके करें तो इसको प्ले करें। प्ले जब आप इसको करेंगे, प्ले इसको जब आप करेंगे इसके पीछे एक इको जो है ना फिल्टर, जो है ना फिल्टर वो अप्लाइड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह इस पर आप काम कर सकते हैं। दूसरे जो इस पर रिवर्ब हो गया, ठीक है,
इसको भी ऐड करें, ये ऐड कर सकते हैं, इसकी ऑप्शन करें, सेटिंग करें, इसको 10 करें, कम करें या ज़्यादा करें, ठीक है। तो दोस्तों इस पर भी आप काम कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। ओके करें तो ये इस पर दो अप्लाइड हो गए, ठीक है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म की जो आवाज़ें हैं या इसके जो फ़िल्टर हैं ऑडियो के, ठीक है, उन पर आप काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इम्पोर्ट फ्रॉम ऑडियो सीडी, के आप इसको जो है सीडी राइट करना चाहते हैं, ऑडियो सीडी, ठीक है, वीडियो ना ऑडियो, ठीक है। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप इसकी जो मज़ीद सेटिंग करेंगे तो आपकी जो सीडी है वो राइट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन है, ठीक है, रिकॉर्ड वॉइस। अगर आपके पास माइक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो आप इस पर क्लिक करके आप इस पर स्टार्ट करें तो ये जो है ना रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर आप स्टॉप करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग आपकी ये जो है ना वो हो गई, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सुनाता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप इसको ऑडियो पर काम कर सकते हैं आसानी के साथ। दूसरा ये है कि आप किसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका जो 100 होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको 500 तक ले जा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही काफ़ी इसका जो वो है वॉल्यूम के लिहाज से बहुत ही बड़ा है, ठीक है। उसके बाद इसको आप बिल्कुल इसका जो साउंड है वो ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मेरे ख्याल में और कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। तो ये था ऑडियो पर हमने बात की, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो पर बात करेंगे, तो वीडियो पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं।